बात करेंगे विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता पर आधारित आंगिक प्रश्न। विद्युत रसायन जो चैप्टर था वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है, लेकिन अब हम लोग इसके आंगिक प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्नावली का जो हमारा पहला प्रश्न है, एक विद्युत अपघट्य के 0.1 मोलर विलयन की विशिष्ट चालकता दी गई है 0.0280 मोह पर सेंटीमीटर। एक विद्युत अपघट्य के 0.1 मोलर विलयन की जो विशिष्ट चालकता दी गई है वो है 0.0280 मोह पर सेंटीमीटर, या मोह सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसकी आपको बताना है मोलर चालकता, इसकी मोलर चालकता की गणना आपको यहाँ पर करना है। मोलर चालकता का जो यहाँ पर फार्मूला होता है वो होता है, मोलर चालकता को हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इनटू 1000 अपॉन एम, जहां पर कप्पा हमारी क्या है विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 0.0280 मोह पर सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि यहाँ पर एम क्या है उस विद्युत अपघट्य विलयन की मोलरता है जिसका मान है 0.1 मोलर, जबकि विशिष्ट चालकता दी गई है 0.0280 मोह सेंटीमीटर इनवर्स या पर सेंटीमीटर जो भी हम बोल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है मोलर चालकता के लिए, मोलर चालकता म्यू इक्वल टू होता है कप्पा इनटू 1000 अपॉन में कैपिटल एम, जहां पर कप्पा हमारा है विशिष्ट चालकता इनटू 1000 अपॉन में एम, एम क्या है यहां पर हमारा उस विद्युत अपघट्य विलयन की मोलरता है, जबकि यहां पर दिया गया है मोलरता यहां पर दिया गया है 0.1 मोलर और यहां पर कप्पा जो कि यहां पर हमारा विशिष्ट चालकता होता है वो दिया गया है 0.0280 मोह सेंटीमीटर इनवर्स। अब इन दोनों के मान को हम इस समीकरण में यहां पर रख देते हैं तो म्यू बराबर यहां पर हमारा हो जाएगा कप्पा इनटू 1000 अपॉन में कैपिटल एम, म्यू बराबर म्यू यहां पर हमारा क्या है आपका है ये मोलर चालकता, आपको जो कैलकुलेट करना है मोलर चालकता बराबर हो जाएगा विशिष्ट चालकता इनटू 1000 अपॉन में कैपिटल एम। तो विशिष्ट चालकता का मान दिया गया 0.0280 इनटू 1000 अपॉन में एम की जो वैल्यू है 0.1, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो यहाँ पर हमारा म्यू आएगा मोलर चालकता उसका मान आ जाएगा 280 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोलर इनवर्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, तो ये आंसर आपका यहाँ से निकल करके चला गया। जबकि हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करें, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर एक चालकता से, एक यहाँ पर चालकता से दी गई है 0.01 मोलर के सीएल का है। यहाँ पर 0.01 मोलर विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, उस विद्युत अपघट्य का जो विलयन है वो के सीएल का है 0.01 मोलर का, मोलर की विलयन की विशिष्ट चालकता का मान दिया गया है 1.46 × 10⁻⁴ मोह सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि चालकता सेल में 0.01 मोलर के सीएल विलयन का प्रतिरोध आपको यहाँ पर R का मान दिया गया 500 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना करना है आपको। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर M जो मोलरता है वो दिया गया है 0.01 मोलर, मोलरता आपको यहाँ दी गई है 0.01 मोलर, जबकि यहाँ पर हमारा कप्पा दिया गया है, कप्पा हमारा होता है विशिष्ट चालकता वो आपको दी गई है 1.46 × 10⁻⁴ मोह सेंटीमीटर इनवर्स, प्रतिरोध आपका दिया गया है रेजिस्टेंस दिया गया है 500 ओम। फार्मूला क्या होता है कप्पा इक्वल टू 1/r इनटू सेल स्थिरांक, आपको यहां पर निकालना क्या है सेल स्थिरांक के मान को यहां पर कैलकुलेट करना है। अब यहां पर 75 तक के हम सेल स्थिरांक के मान को निकाल देते हैं तो सेल स्थिरांक बराबर हो जाएगा कप्पा इनटू r, यहां पर उनसे कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो अब यहां पर जो कप्पा का मान दिया गया है वो है 1.46, कप्पा का मतलब यहाँ पर है विशिष्ट चालकता दी गई है 1.46, जबकि यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिया गया है यहाँ पर 500, तो सेल स्थिरांक बराबर हो जाएगा कप्पा इनटू आर, तो कप्पा की वैल्यू है 1.46 और आर की यहाँ पर जो वैल्यू है वो 500। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे जो हमारा सेल स्थिरांक आएगा 7.3 × 10⁻² पर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। तो मिला के पहला दूसरा क्वेश्चन का ये
अलग हो जाए।